सॉरी दोस्तों, थोड़ा जुकाम है। आज ही डॉक्टर के पास जाके आई, मेरा जनरल प्रैक्टिशनर। जनरल प्रैक्टिशनर मतलब फैमिली डॉक्टर। दवाइयाँ दी है, कल तो मेरा गला पूरा खराब था। आई वॉज जस्ट मम, आवाज ही नहीं निकल रही थी। आज थोड़ा ठीक है तो सोचा वीडियो करें। तो जनरल प्रैक्टिशनर मतलब हमारा फैमिली डॉक्टर। सो आई हैव विजिटेड जनरल प्रैक्टिशनर बिकॉज आई हैड कफ एंड कोल्ड। मतलब मैं हमारे फैमिली डॉक्टर के यहाँ हो आई, उनसे मेडिसिन ली, क्योंकि मुझे सर्दी और जुकाम था। रेशमा इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप अगर चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, और हाँ, बेल की घंटी वो भी दबानी है ताकि नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक दस्तक दे और हम और आप बातें कर पाए, क्योंकि बातें करना ज़रूरी है। आपको अंदाज़ा तो आ गया होगा आज का हमारा टॉपिक क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स। मतलब कौन से अलग अलग प्रकार के डॉक्टर्स माने स्पेशलिस्ट होते हैं। स्पेशलिस्ट मतलब आपको तो पता है, उस पर्टिकुलर फील्ड, उस पर्टिकुलर एरिया में कोई डिसीज़ हो तो वो हमारा दूर करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स। सबसे पहला आता है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब स्किन का डॉक्टर। सिर्फ स्किन ही नहीं, कोई भी हेयर रिलेटेड इशू हो या स्किन रिलेटेड इशू हो तो आप जाएंगे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। और हाँ, नेल्स से रिलेटेड, नाखून रिलेटेड इशूज भी डर्मेटोलॉजिस्ट दूर करता है। मतलब I had visited dermatologist because I had my skin issue or my nails issue. तो याद रखना, dermatologist जो है तीन तरह काम कर, तीन जगह पर काम करता है। एक हमारे नाखून, दूसरी हमारी स्किन और तीसरी हमारे हेयर। डैंड्रफ या कोई भी दूसरा प्रॉब्लम हो हेयर ग्रोथ, सो जस्ट विजिट dermatologist, मतलब स्किन का डॉक्टर। तो हमारा सेंटेंस होगा, I visited डर्मेटोलॉजिस्ट बिकॉज आई हैड सम रेड रैशेस ऑन माय स्किन। मतलब मेरे स्किन पे कुछ लाल कलर के रैशेस आए थे, इसलिए मैं स्किन के डॉक्टर के पास गई थी। तो स्किन के डॉक्टर को स्किन डॉक्टर ना बोल के डर्मेटोलॉजिस्ट का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियो मतलब हार्ट। हार्ट डिसीजेस जो डॉक्टर दूर करता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। सो कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब दिल का डॉक्टर, जो दिल की सब बीमारियां दूर करता है। हाँ, किसी का हार्ट ब्रेक हुआ हो, ये वाली बीमारी वो दूर नहीं करेगा, लेकिन कोई भी अंदरूनी डिसीजेस जैसे कि ब्लॉकेजेस होते हैं या और कोई भी डिसीजेस वो दूर करता है कार्डियोलॉजिस्ट। तो हमारा सेंटेंस होगा, माय रिलेटिव वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड ही इज ट्रीटेड अंडर द कार्डियोलॉजिस्ट। मतलब हमारे एक रिलेटिव माने रिश्तेदार है, उनको कल एडमिट किया गया और वो एक कार्डियोलॉजिस्ट माने दिल की डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में है। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब दिल का डॉक्टर, जो दिल के डिसीजेस दूर करता हो। तीसरा डॉक्टर है गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट मतलब ऐसा डॉक्टर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उन पर काम करता है, जैसे कि बेबी से रिलेटेड कुछ इशू हो या कोई भी पीरियड से रिलेटेड इशू हो, प्रॉब्लम्स हो, तो कहाँ जाए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए। तो महिलाएं गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है तब ये सब बीमारियाँ दूर हो जाती है। गायनेकोलॉजिस्ट मतलब स्त्रियों का डॉक्टर जो खास करके उनके ऑर्गन्स पे काम करता हो। आगे का डॉक्टर है यूरोलॉजिस्ट।
यूरोलॉजिस्ट नाम में थोड़ा पता चलता है, यूरिन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो उनका स्पेशलिस्ट है यूरोलॉजिस्ट। यूरिन रिलेटेड सब प्रॉब्लम्स ये डॉक्टर साहब दूर करते हैं, यूरोलॉजिस्ट। और एक किन को लगता है कि कोई भी इशू हो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मतलब बेबी को जन्म देने वक्त मेल और फीमेल दोनों जाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास। नो, फीमेल माने औरत जाती है गायनेकोलॉजिस्ट के पास और मर्दों को जाना पड़ता है यूरोलॉजिस्ट के पास। मतलब यूरोलॉजिस्ट ये डॉक्टर है जो और एक चीज पर काम करता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब ऐसे मर्द जिनको बच्चे ना होते हो, कुछ ट्रैक में प्रॉब्लम है, तो इन दैट केस दे विजिट यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट मतलब दो तरह के काम करता है, एक तो यूरिनरी इन्फेक्शन और कोई प्रॉब्लम हो तो, और दूसरा मेल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो तो। गायनेकोलॉजिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट थोड़े एक ही तरह के काम करते हैं, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट है वो फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर करता है और यूरोलॉजिस्ट जो है वो मेल से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर करता है। तो दोस्तों, ये टाइप्स ऑफ डॉक्टर वाला वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही क्योंकि आप मेरे वीडियोस पसंद जो करते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में ऐसे ही कोई रिलेटेड टॉपिक के साथ, इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, देखते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।